हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कुछ इस तरह से दिखता है। यह जो डायग्राम दिख रहा है, जब आप साइड से खड़े होकर के देखेंगे तो इसी तरह से दिखेगा। कहने का मतलब, यह डायग्राम लेटरल व्यू है। तो आप कह सकते हैं यह लेटरल व्यू है, ना तो फ्रंट व्यू है ना तो बैक व्यू है, तो आप कह सकते हैं यह लेटरल व्यू है। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करें, तो यह पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा, यह मेल के बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होगा, तो आप कह सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी के नीचे। एक दूसरी भी कैविटी होती है जिसको हम पेल्विस कैविटी कहते हैं, उसी पेल्विस कैविटी में यह पूरा का पूरा सिस्टम सिचुएटेड होता है। तो अगर हम बात करें, जैसे मानते हैं, मान लेते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं ये मानव है। तो दिस इज द मानव, ये मानव है। ये ससुरा कौन बन गया? हमें लग रहा है तुम ही लोग, कोई कोई तुम ही लोगों में से कोई होगा। तो ये मानव है। तो अगर हम बात करें इसके बॉडी में कौन कौन सी कैविटी है, तो एक डायफ्राम होता है बीच में, यहाँ पे डायफ्राम लगा होता है। डायफ्राम ऐसे, यहाँ पे डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम इस पूरे के बॉडी के कैविटी को दो भागों में बांट देता है। ऊपर वाला जो कैविटी होता है उसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं, थोरेसिक कैविटी कहते हैं। तो थोरेसिक कैविटी कहते हैं जिसमें लंग्स वगैरह होते हैं, हार्ट वगैरह होते हैं। और जो नीचे वाला कैविटी होता है, इस कैविटी को हम नाम देते हैं एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। तो दिस इज कॉल्ड एज द एब्डोमिनल कैविटी। और इसी कैविटी के अंदर एक और स्पेस बना होता है, इसी स्पेस को हम कहते हैं पेल्विस, पेल्विस कैविटी। तो दिस इज कॉल्ड एज द पेल्विस कैविटी। तो इस रीजन को हम पेल्विस रीजन कहते हैं, या इसमें जो स्पेस होता है उस स्पेस को पेल्विस कैविटी के नाम से जानते हैं। और इसी पेल्विस कैविटी में पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पड़ा होता है, मेल का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पड़ा होता है। तो अब हम बात करेंगे इस पूरे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की अगर हम बात करें, तो यह दो भागों में बटा होता है। तो ह्यूमन में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या सिस्टम है, तो इसके अंदर दो तरह के ऑर्गन है। तो आप कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, MRO। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दो तरह के ऑर्गन आते हैं। तो पहला होता है प्राइमरी, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा हम कहते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये दो तरह के ऑर्गन हो गए, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब बात ये आती है कि प्राइमरी किसे कहते हैं बाबू? तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो ऑर्गन होगा जिसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो उस ऑर्गन को हम कहते हैं प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बाकी जो है प्राइमरी को छोड़ करके प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है? इसका एग्जांपल है टेस्टीज। तो टेस्टीज होगा, तो इसका एग्जांपल होगा टेस्टीज। टेस्टीज इज द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो टेस्टीज को छोड़ करके जितने भी पार्ट दिख रहे हैं वो सब के सब सेकेंडरी कहलाते हैं। तो इसमें से टेस्टीज कौन है बाबू लोग? तो टेस्टीज यही है। तो दिस इज कॉल्ड एज द टेस्टिस। तो अब आप लोगों ये सोच रहे होंगे, अरे भैया टेस्टीज एक ही तो यहां पे दिख रहा है। अरे गधा, ये ना लेटरल व्यू है, लेटरल व्यू में एक ही दिखेगा। तो ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर ये एक टेस्टीज है। तो स्क्रोटम में दो चैम्बर होता है, और उस चैम्बर में एक एक टेस्टिस होता है। इस तरह से एक पेयर टेस्टिस होता है। तो आप याद रखेंगे, वन पेयर,
तो टेस्टिस की संख्या कितनी होगी, वन पेयर, एक पेयर टेस्टिस होता है। इसको छोड़कर के बाकी जितने भी ऑर्गन्स होंगे सब सेकेंडरी कहलाएंगे। तो आप याद रखिएगा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होगा जो जिसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स का फॉर्मेशन कहां होगा, टेस्टिस में। तो बाकी जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जितने भी पार्ट और बच रहे हैं, तो जैसे हम बात कर लेते हैं स्क्रोटम, तो स्क्रोटम ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो स्क्रोटम जैसे यीस्ट वाले हिस्से को हम कहते हैं स्क्रोटम, तो दिस इज कॉल्ड एज द स्क्रोटम। तो इसको हम नाम देते हैं स्क्रोटम, या इसको हम टेस्टिकल सैक भी कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द स्क्रोटम या टेस्टिकल सैक के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या कितनी है, एक है, सिंगल है, सिंगल है, और इसी के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं। इसी स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होते हैं। तो एक स्क्रोटम में, एक स्क्रोटम या एक टेस्टिकल सैक में कितने टेस्टिस होंगे, दो गो टेस्टिस होंगे। अब आगे हम बात करते हैं दूसरा स्ट्रक्चर इसमें आ जाएगा, जो है दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, दूसरा क्या हो गया, तो वास इफरेंस। तो वास इफरेंस ये भी जो है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसकी संख्या मेनी होती है। तो एक दो नहीं होती, एक दो से अधिक होती है। फिर इसके बाद क्या आएगा, इपीडिडाइमिस। तो इपीडाइमिस की संख्या की अगर हम बात करें, तो ये भी एक पेयर होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसी को हम कहते हैं इपीडाइमिस, और इस वाले हिस्से को हम कहते हैं वास डिफरेंस। तो इस तरह से आगे अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट है वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस की संख्या कितनी होगी, इसकी भी संख्या एक पेयर होगी। तो आप याद रखेंगे एक पेयर वास डिफरेंस भी होगा। तो एक इस साइड है तो दूसरा इस साइड है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं और क्या आएगा, और क्या होगा, ये पेनिस है, तो इसको मेल कपुलेटरी ऑर्गन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है पेनिस। तो पेनिस इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या सिंगल होती है, ये एक होता है, सिंगल होता है। तो यह कपुलेटरी ऑर्गन कहलाता है, या इसको हम इंट्रोमिटेंट ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा और क्या पाया जाएगा, कुछ ग्लैंड्स पाए जाएंगे, कुछ ये इजेकुलेटरी डक्ट होगा। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम कहते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। तो नेक्स्ट है इजेकुलेटरी डक्ट। तो इजेकुलेटरी डक्ट की संख्या कितनी है, तो यह भी एक पेयर होता है। तो एक पेयर इजेकुलेटरी डक्ट भी होगा। फिर ये इजेकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में ओपन होता है। तो यूरेथ्रा जो है यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे भी आप कह सकते हैं यह यूरिनरी सिस्टम मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है यूरेथ्रा। फिर आगे हम बात करते हैं, तो कुछ एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं, जैसे ये वाला ग्लैंड्स, तो इसको हम कहते हैं काउपस ग्लैंड, सॉरी ये वाला ग्लैंड, इसको हम कहते हैं सेमाइनल वेस्किल। तो सेमाइनल वेस्किल इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, दो, कहने मतलब एक पेयर, यह भी एक पेयर होता है। नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाला होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इसकी संख्या कितनी होती है, सिंगल, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो दिस इज कॉल्ड एज द प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसकी संख्या कितनी होगी, सिंगल, कहने मतलब एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। और ये वाला जो ग्लैंड है, इसको हम कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या एक पेयर होती है। तो आप याद रखेंगे ये जो सेमाइनल वेस्किल है एक पेयर है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक पेयर है। तो ये तो हमने सीख लिया इनकी संख्या और कौन कौन से सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे स्क्रोटम वास डिफरेंस, इपीडाइमिस वास इफरेंस, पेनिस, इजेकुलेटरी डक्ट, सेमाइनल वेस्किल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो दीज ऑल आर द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लेकिन यहां पे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि जो है मेल एसेसरी डक्ट कौन सा है, मेल एसेसरी डक्ट, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है, कहता है कि मेल एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट,
तो मेल एसेसरी डक्ट, तो मेल एसेसरी डक्ट या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल एसेसरी डक्ट कौन कौन से होते हैं तो हमको याद रखना है। तो डक्ट कौन कौन से हैं, तो एक एग्जांपल याद रखना है, आर डबल ई डी रीड, तो दिस इज द मेल एसेसरी डक्ट। आर का मतलब होता है रेटस टेस्टिस, रेट टेस्टिस, तो आगे चल करके आप पढ़ेंगे रेट टेस्टिस क्या है। नेक्स्ट है वास इफरेंस, वास इफरेंस, वास इफरेंस। नेक्स्ट है इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस, और नेक्स्ट है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। तो इसी को हम कहते हैं मेल एसेसरी डक्ट, तो दीज आर कॉल्ड एज द मेल एसेसरी डक्ट। ये बात आप याद रखेंगे। अगर आपको पूछता है मेल एसेसरी ग्लैंड तो इन तीनों को आपको बताना है, तो दीज आर द मेल एसेसरी ग्लैंड, तो इन तीनों को हम कहते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड, तो इनको हम कहते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड। तो सेमाइनल वेस्किल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को मेल एसेसरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। तो अब तक हमने सीखा केवल ऑर्गन के बारे में, कौन सा पार्ट, कौन सा ऑर्गन कहाँ जो है, कितनी उसकी संख्या है, कौन मेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और कौन सेकेंडरी है। अब हम इस डायग्राम में इस को नॉमिक्लेचर कर लेते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है, इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे है ना, जो है ये स्क्रोटम है, तो दिस इज कॉल्ड एज द स्क्रोटम। तो स्क्रोटम का स्किन जो होता है, या स्क्रोटम का जो स्किन होता है ये मोर पिगमेंटेड होता है। तो क्यों भैया, तो ध्यान दीजिएगा, मेल में, अगर मेल में बात करें, पुरुषों में बात करें, तो उसका जो टेस्टिकल सैक होता है या स्क्रोटम जो होता है, स्क्रोटम पे जो चमड़ा होता है बहुत बहुत काला होता है। काला क्यों होता है, क्योंकि उसके चमड़े में उसके स्किन में मेलानिन की संख्या ज्यादा होती है। अच्छा, पूरे बॉडी में अगर हम बात करें मेल में, तो सबसे काला स्किन अगर कहीं पाया जाता है वो मेल के स्क्रोटम में होता है, बाकी और पूरे बॉडी में ऐसा नहीं होगा। सबसे ज्यादा पिगमेंटेड स्किन स्क्रोटम में होता है। इसी तरह से अगर हम महिलाओं में देखें तो महिलाओं के बॉडी में सबसे काला स्किन कहाँ होगा, एरियोला पर। एरियोला क्या है, तो ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट का जो टिप होता है उसको निप्पल कहते हैं, और निप्पल के चारों तरफ एक पिगमेंटेड एरिया होता है जिसको एरियोला कहते हैं। तो फीमेल बॉडी में मोस्ट पिगमेंटेड स्किन एरियोला पे होगा और मेल बॉडी में मोस्ट पिगमेंटेड स्किन स्क्रोटम पर होगा। आगे हम बात करते हैं, तो इस स्क्रोटम के अंदर दो चैम्बर होते हैं और ईच चैम्बर में ईच टेस्टिस होता है। आगे चल करके स्क्रोटम हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे सीखेंगे। तो इसी स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, तो दिस इज कॉल्ड एज द टेस्टिस, और ये टेस्टिस ससुरा इस इंटरनली इस स्क्रोटम के वाल से अटैच रहता है। तो जिस स्ट्रक्चर के द्वारा अटैच रहता है इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिबर्नकुलम, जिबर्नकुलम। तो इस स्ट्रक्चर को हम जिबर्नकुलम कहते हैं। इसका काम क्या है, टेस्टिस को ऊपर जाने से रोकता है। करेंगे मतलब टेस्टिस स्क्रोटम में है और स्क्रोटम आउटसाइड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, तो यह टेस्टिस को अपनी तरफ पकड़ के खींचेगा। अगर ये नहीं होता तो ये टेस्टिस खींच करके फिर से एब्डोमेन में चला जाता। तो ये सब आगे चल के सीखेंगे। तो जिबर्नकुलम होता है। अब इस पे जो कर्ड स्ट्रक्चर होता है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द इपीडिडाइमिस। तो इसी को हम नाम देते हैं इपीडिडाइमिस, यही इपीडिडाइमिस है। और इसमें लगभग 3 महीने आगे इसमें स्पर्म का स्टोरेज होता है। आगे हम बात करते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, तो दिस इज कॉल्ड एज द वास डिफरेंस। और अब जरा देखिए, ये वास डिफरेंस इस तरह से एक डक्ट में ओपन होता है, इस डक्ट का नाम होता है इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट, तो इसको हम कहते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। और ये वाला स्ट्रक्चर होता है सेमाइनल वेस्किल, सेमाइनल वेस्किल,
तो सेमाइनल वेस्किल जो जिस डक्ट में ओपन होता है, इस डक्ट को हम कहते हैं सेमाइनल डक्ट, सेमाइनल डक्ट। तो सेमाइनल डक्ट, सेमाइनल डक्ट और वास डिफरेंस दोनों मिल करके इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट इस यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है। तो ये होता है यूरेथ्रा, दिस इज कॉल्ड एज द यूरेथ्रा। अब जरा आगे देखिए, तो ये वाला जो ग्लैंड है इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको हम नाम देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और यह वाला जो ग्लैंड है इस ग्लैंड को हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या हम इसको काउपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा इसी को हम कहते हैं पेनिस, या यह कहलाएगा इंट्रोमिटेंट ऑर्गन। अब आगे हम देखते हैं इसका पूरा मैकेनिज्म हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इस टेस्टिस के अंदर, इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है। अब ये स्पर्म बनने के बाद, स्पर्म किससे बनता है? स्पर्मेटोगोनिया से, ये सब आगे चल के बताएंगे। तो स्पर्म बनने के बाद तो टेस्टिस से निकलता है, रेड टेस्टिस में जाता है, रेड टेस्टिस से निकलता है वास इफरेंस में जाता है, और वास इफरेंस से निकलता है इस इपीडिडाइमिस में जाता है, इपीडिडाइमिस में पहुंचता है। ये इपीडिडाइमिस है, तो इपीडिडाइमिस में कुछ समय तक ये रुकता है, स्पर्म जो है कुछ टाइम तक इपीडिडाइमिस में रुकता है। तो आप कह सकते हैं इपीडिडाइमिस स्पर्म को लगभग 2 मंथ तक स्टोर कर सकता है, 2 महीने तक स्पर्म को यह स्टोर कर सकता है इपीडिडाइमिस। तो इसको कहते हैं हाउस ऑफ द स्पर्म, इपीडिडाइमिस को हाउस ऑफ द स्पर्म कहते हैं। जब स्पर्म और मैच्योर हो जाएगा तब वो अब जो है छोड़ दिया जाएगा, और वो जाएगा कहां पर? इस वास डिफरेंस में। अब इस स्पर्म इस वास डिफरेंस से होते हुए कहां पे जाएगा? वास डिफरेंस से होते हुए ये पहुंचेगा, पहुंचेगा सेमाइनल वेस्किल में। तो ये सेमाइनल वेस्किल है, तो सेमाइनल वेस्किल में स्पर्म जब पहुंचेगा तो स्पर्म सेमाइनल वेस्किल में सेमाइनल फ्लूइड होता है, और उसके अंदर होता है भोजन जिसको हम कहते हैं फ्रक्टोज। तो सेमाइनल फ्लूइड में फ्रक्टोज नाम का केमिकल होता है, स्पर्म उस फ्रक्टोज को खाएगा, और इस फ्रक्टोज को खा करके मोटा ताजा हो जाएगा, फिर बाहर निकलेगा। तो स्पर्म फिर से बाहर निकलेगा तो इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा, इजैकुलेटरी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब सेमाइनल वेस्किल और स्पर्म, सेमाइनल वेस्किल का सेमाइनल फ्लूइड और स्पर्म दोनों साथ हो लिए। अब आगे बढ़े तो इसको यूरेथ्रा में पहुंचे, जैसे ही यूरेथ्रा में पहुंचे यहां पर इसको मिलेगा प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेटिक फ्लूइड सेक्रेट कर देगा। तो ये व्हाइट कलर का होता है, तो सीमेन का कलर इसलिए व्हाइट होता है क्योंकि प्रोस्टेटिक फ्लूइड व्हाइट कलर का होता है। तो ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड अब यहां पे मिल जाएगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ेगा तो ये मिलेगा काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड, ये सेक्रेट करेगा बल्बो काउपर्स फ्लूइड। अब इस तरह से तीसरा फ्लूइड मिल गया, कौन सा? काउपर्स फ्लूइड। इस फ्लूइड का एक काम और होता है, यह स्पर्म को आने से पहले इस यूरेथ्रा के वाल को लुब्रिकेट कर देता है, कहने का मतलब इसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि स्पर्म पर कोई हार्म ना पहुंचे। तो फाइनली इस पेनिस के माध्यम से स्पर्म इजेक्ट आउट हो जाता है, मतलब बाहर आ जाता है। तो अगर हम जो है सीमेन की बात करें तो सीमेन जो है 4 लोगों से मिलकर बना होता है। तो सीमेन में क्या क्या होता है? 3 फ्लूइड होते हैं और स्पर्म होता है। तो स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टेटिक फ्लूइड और प्लस कॉपर फ्लूइड, ये मिल करके कहलाता है सीमेन, जो कि व्हाइट कलर का चिपचिपा पदार्थ होता है जिसके अंदर स्पर्म क्लॉटेड फॉर्म में रहता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्म जब इजैकुलेट होता है लिक्विड फॉर्म में इजैकुलेट होता है कि क्लॉट के फॉर्म में इजैकुलेट होता है कि फ्री फॉर्म में इजैकुलेट होता है, तो इसका आंसर होगा स्पर्म हमेशा क्लॉट के फॉर्म में इजैकुलेट होता है। तो इस तरह से हमने सीख लिया पूरा जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है यूरिनरी ब्लैडर, और इसको हम कहते हैं यूरेटर।
यूरेटर, तो दिस इज कॉल्ड एज द यूरेटर। तो अगर एक बार हम लोग स्पर्म के पाथ को समझ लेते हैं, तो स्पर्म किस किस रास्ते से जाता है और या स्पर्म किस किस रास्ते से होते हुए बाहर रिलीज होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर सर्टोली सेल है और जर्म सेल है। जर्म सेल से यह स्पर्म बनेगा, बनने के बाद यह स्पर्म किसमें जाएगा, सबसे पहला काम होगा किसमें जाएगा, रेट टेस्टिस में। रेट टेस्टिस तो रेट टेस्टिस में जाएगा, रेट टेस्टिस से निकलेगा, ये वास इफरेंस में जाएगा। वास इफरेंस में इंटर किया और वास इफरेंस से निकला, ये कहां पे गया, इपीडिडाइमिस में गया, इपीडिडाइमिस। और इपीडिडाइमिस से अगर निकला तो ये कहां गया, वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस में इंटर किया। और वास डिफरेंस से निकला तो ये कहां गया, सेमाइनल वेस्किल में, सेमाइनल वेस्किल। तो सेमाइनल वेस्किल में गया और सेमाइनल वेस्किल से निकला ये कहां पे गया, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से निकला ये कहां पे गया, पेनिस, पेनिस के थ्रू या आउटसाइड हो जाएगा, मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा, बाहर हो जाएगा इस पेनिस के माध्यम से। तो दिस इज द पाथ ऑफ द स्पर्म। तो ये स्पर्म का पाथ है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, स्पर्म किस रास्ते से जाता है या इसका पाथ का करेक्शन का ऑर्डर दे देता है, ये एग्जाम में नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमने स्पर्म का पाथ समझ लिया। एक चीज और मैंने आपको यहां पे बताया, सीमेन। तो अगर हम सीमेन की बात करें, तो सीमेन की बात करें तो इसका कंपोजिशन, तो सीमेन का कंपोजिशन क्या होता है, तो सीमेन में कितने लोग होते हैं, तो आप कह सकते हैं चार लोग। स्पर्म होता है प्लस सेमाइनल फ्लूइड होता है प्लस प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है प्लस कॉपर्स फ्लूइड होता है। तो ये चार लोग होते हैं इस सीमेन में। तो सीमेन में स्पर्म होता है, सेमाइनल फ्लूइड होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है और कॉपर्स फ्लूइड होता है। आगे चल करके हमको सीमेन को डिटेल में पढ़ना है, किसका क्या फंक्शन है ये सब एक एक करके हम जानेंगे। तो सेमाइनल फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड का क्या होता है और कॉपर स्प्लिट का क्या होता है। तो याद रखेंगे सेमाइनल फ्लूइड में फ्रक्टोज होता है और उसी फ्रक्टोज को स्पर्म खाता है। अब जरा देखिए, जैसे किसी महिला का रेप हो गया हो, तो रेप हो गया हो तो जैसे ही क्राइम क्राइम की पता पुलिस वालों को चलती है, तो पुलिस वाले उस महिला को ले जाते हैं, तो सबसे पहले टेस्ट कराते हैं कि इस महिला का रेप हुआ है कि नहीं। जैसे मान लो कोई महिला किसी के ऊपर जो है किसी भी पुरुष को कह रही कि हमारा रेप कर दिया, तो इसके इसको जानने की क्या पुष्टि होगी, इसका टेस्ट करवाएंगे। तो सरकारी हॉस्पिटल में उस महिला को ले जाकर के उसके फीमेल जेनिटल ट्रैक का टेस्ट किया जाता है। तो उस पर टेस्ट किस चीज का किया जाता है, इसी फ्रक्टोज का। तो आप याद रखिएगा, फीमेल के बॉडी में किसी भी ऑर्गन में फ्रक्टोज नहीं होता है एक्सेप्ट द ब्लड, ध्यान दीजिएगा, ब्लड के अलावा बाकी किसी भी ऑर्गन्स या फ्लूइड के अंदर फ्रक्टोज नहीं होता है। लेकिन मेल में सेमाइनल फ्लूइड ऐसा इकलौता फ्लूइड है जिसके अंदर फ्रक्टोज होता है। अगर सीमेन फीमेल जेनिटल ट्रैक पर आएगा तो ये फ्रक्टोज भी उस फीमेल जेनिटल ट्रैक पर पहुंच जाएगा, क्योंकि सीमेन आएगा तो मतलब सेमाइनल फ्लूइड आया, सेमाइनल फ्लूइड है तो फ्रक्टोज आया, इसी फ्रक्टोज का टेस्ट होता है एट द टाइम ऑफ रेप के कंडीशन में। तो हमने सीखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। अब एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेस्टिस पढ़ेंगे, टेस्टिस का पूरा फंक्शन पढ़ेंगे, कैसे कैसे इसमें स्पर्म बनता है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।